हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो गाइज, लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का पार्ट वन। आप लोगों को साइंस के सेक्शन में बायोलॉजी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इंडियन नेवी AMR एग्जाम में, और इसीलिए मैं बायोलॉजी का पार्ट करवा रहा हूँ। इसमें कितने पार्ट्स आएंगे ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी पार्ट्स आएंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, और सभी सवाल एग्जाम को देखते हुए और उसके दृष्टिकोण से तैयार किए गए होंगे। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस हैं जिसे, और कोशिश करना कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके सही हो पाएँ। अगर गलत भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वीडियो के एंड में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना था आउट ऑफ 20 और आप कहाँ से हो। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। पहली चीज़ है कि अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, लाइक इंडियन नेवी, AMR, SSR और AA, इन सभी के लिए, चाहे इंडियन एयरफोर्स के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे सेकंड चैनल का जो कि है GK Squared। उसको जाकर के जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, PDF नोट्स और बाकी सब, वो वहां पे मिलेंगी आपको आने वाले टाइम में, आपके एग्जाम के टाइम पे। तो वहां पे भी जरूर मुझे ज्वाइन कर लेना। और जो वीडियोस होती हैं जिनका नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है, मैं वहां पे डालता हूँ, वो सब भी आपको मिलेंगी, और हर एक वीडियो वहां टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, सभी का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, सबका वहां पे लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग एक और काम कर लेना कि जितने भी पार्ट्स मैं करवाऊंगा बायोलॉजी के, उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लेना। आई होप कि आप लोग नोट कर रहे होंगे जो भी चीजें मैं करवा रहा हूं। आज आपको एक प्रैक्टिस सेट में भी मिलेगा, क्योंकि आज संडे है और मैंने बोला है आप लोगों से कि हर संडे को आपको एक फुल प्रैक्टिस सेट मिलेगा इंडियन नेवी AMR एग्जाम के लिए, जिसमें कि साइंस, मैथमेटिक्स और जो आपका जनरल अवेयरनेस है, उन तीनों के क्वेश्चंस, टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, और हम लोग लगभग 30 मिनट्स में एग्जाम की तरह करेंगे। तो आप लोग तैयार रहना, 7:30 से 8 बजे के बीच में आज रात आपको वो मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। तो गाइस, अभी तक जो बायोलॉजी का सेक्शन है स्टार्ट नहीं किया था मैंने, आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, और आज का पार्ट बहुत ही अहम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अब केमिस्ट्री के पार्ट्स भी मिलेंगे, फिजिक्स तो आपको ऑलरेडी मिल रही है, और बाकी जो चीज़ें आपको मिसिंग लग रही हैं यानी कि मैथमेटिक्स, वो भी जल्दी ही आपको मिलने वाली है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी? लार ग्रंथि, थायरॉयड, यकृत और अमाशय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यकृत। यकृत जो है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, यानी कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन का स्राव होता है? विच हार्मोन इज सेक्रेटेड फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमेंस? एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन, और सभी कथन सत्य है, यानी ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो है ये एक हार्मोन है, इसका स्राव होता है मादा जनन अंग में। जो मनुष्य में मादा जनन अंग होता है, जनन अंग किसे बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसमें से जो स्राव होता है हार्मोन का, उसे ही हम रिलैक्सिन हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? विच इज कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट्स इन ह्यूमेंस? सेरिब्रम, थायरॉयड, सेरिबेलम और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है इसी के कारण मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है, यानी कि जो वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं ह्यूमेंस में, हमारी बॉडी में, उसको कंट्रोल कौन करता है? सेरिब्रम। इसी के कारण कंट्रोल होती है जो हमारी गतियां हैं, ऐच्छिक गतियां हैं। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? वेयर इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कंट्रोल्ड? स्पाइनल कार्ड में, सेरिब्लम में, हाइपोथैलेमस में और पिट्यूटरी में। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम जो है ये नियंत्रित होता है। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड इन हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस में कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है
अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? हु इंजेस्ट फूड इन अमीबा, कुटपाद, कोशिका मुह, सीलिया और गुदाद्वार। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कूटपाद। कूटपाद जो है इसी के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज फाउंड इन सेलाइवा? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन और काइमोट्रिप्सिन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टाइलिन। टाइलिन जो है ये एंजाइम लार में पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम्स इज फाउंड इन सलाइवा, हमारे सलाइवा में टाइलिन ही पाया जाता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बेहद अहम है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है? द प्रोसेस बाई विच मैन इनहेल्स एंड एग्जिट्स इज श्वसन, स्वच्छ वास, प्रश्वास और निश्वसन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि श्वासोक्ष वास, यानी कि ब्रीदिंग जो है वही प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है। द प्रोसेस बाई विच मैन इनहेल्स एंड एग्जिट्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग हम बोलते हैं सांस लेना, सांस छोड़ना, उसी को ना बोलते हैं हम ब्रीदिंग, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना। तो ये भी एक अहम क्वेश्चन है गाइज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पे नए हो और आगे आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हो बेस्ट तरीके से, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? वॉट इज द सेल मोस्ट ऑफ्टन यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल और सुक्रोज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि ग्लूकोज। ग्लूकोज का उपयोग करती है कोशिका प्रायः किस चीज के लिए? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, यानी कि ऊर्जा उत्पादन के लिए। ऊर्जा उत्पादन के लिए हमारी जो कोशिका है वो है क्या करती है? उपयोग करती है ग्लूकोज का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? बाई विच रिएक्शन डज ऑक्सीजन इन द प्लांट रीच सेल्स फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट? किण्वन, विसरण, दहन और प्रकाश संश्लेषण। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी विसरण। विसरण जो प्रक्रिया है इसके द्वारा क्या होता है, पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं तक पहुंचता है, कोशिकाओं में पहुंचता है। ठीक है, बाई डिफ्यूजन रिएक्शन डज ऑक्सीजन इन द प्लांट रीच सेल्स फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? वॉट इज द रिजल्ट ऑफ फूड इन द रेस्पिरेटरी रिएक्शन? विघटन, दहन, परिवर्तन और संश्लेषण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि विघटन। विघटन जो है ये एक परिणति होती है, परिणाम होती है श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ फूड इन द रेस्पिरेटरी रिएक्शन इज डिसोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण प्रमुख रूप कौन सा है? विच इज द मेन फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड आइटम्स टू द प्लांट? ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज और प्रोटीन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन सी यानी कि सुक्रोज। सुक्रोज जो है ये खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप है। ठीक है, सुक्रोज इज द मेन फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड आइटम्स टू द प्लांट। ठीक है, याद रखिएगा सुक्रोज है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन? 90/60, 120/80, 200/130 और 140/160। राइट आंसर हो जाएगा 120/80। 120/80 जो है ये एक नॉर्मल मनुष्य, एक स्वस्थ मनुष्य की ब्लड प्रेशर होती है। आप अगर कभी ब्लड चेक करवाते हैं और उसमें अपना प्रेशर चेक करवाते हैं तो 80/120 या फिर 120/80 जब होता है तो वहां पे क्या होता है, वो आपका बिल्कुल सही होता है, यानी आपका जो ब्लड प्रेशर है बिल्कुल सही है। ठीक है, और अगर इधर उधर होता है तो वो वहां पे कम या ज्यादा होने का खतरा रहता है। तो ये जो है एकदम सही है, एकदम जो है बिल्कुल सही, हेल्दी ह्यूमन के लिए ये है 120/80। नेक्स्ट है,
मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, विच इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर और एरेक्नवेड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर जो है ये मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, यानी मनुष्य के दिमाग की सबसे बाहरी झिल्ली है कौन सी, वो है ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, रेगुलेट्स मैंस एबिलिटी टू स्मेल, ऑप्टिक पाली, घ्रणेन्द्रिय पाली, सेरिब्रम और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी ध्यानेन्द्रिय। ध्यान इंद्री जो होती है, हमारी इंद्रियां जो होती हैं उसी से तो हम सूंघ पाते हैं, और हमारी जो सूंघने की क्षमता होती है वही नियंत्रित भी करती है। सूंघने की जो क्षमता है उसे ध्यानेन्द्रिय पाली नियंत्रित करती है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, विच इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्लेवरनेस इन मैन, सेरिबलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम और स्पाइनल कार्ड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है ये मनुष्य में यानी ह्यूमन में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। ठीक है, सेरिब्रम इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्लेवरनेस इन ह्यूमन। नेक्स्ट है हमारा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, इज द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड कंट्रोल्ड सोमेस्टिस्निन के कारण, ग्लूकागन के कारण, गैस्ट्रियन के कारण और इंसुलिन के कारण। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि इंसुलिन के कारण। इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो नियंत्रित रहती है, और इंसुलिन की कमी से हमें क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, यानी जिसे हम शुगर बोलते हैं। तो शुगर किस वजह से, इंसुलिन की कमी के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, इंसुलिन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर, ऑक्सीजन है, व्हाट इज ऑक्सीजन, यहां पे पूछा जा रहा है, यही सवाल है सिंपल सा। तो वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि एंजाइम। ऑक्सीजन जो है ये एक प्रकार का एंजाइम है, ऑक्सीजन इज अ एंजाइम, और ऑक्सीजन इज अ टाइप ऑफ एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, हु कम्स अंडर दी बायो प्रोसेस, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन और सभी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि सभी। जो ऑल है, यानी अगर कोई जैव प्रक्रम है, बायो प्रोसेस है, उसमें पोषण भी आएगा, उत्सर्जन भी आएगा, श्वसन भी आएगा, न्यूट्रिशन भी आएगा, इमिशन भी आएगा, रेस्पिरेशन भी आएगा, अगर हम बात करें बायो प्रोसेस की तो, यानी जैव प्रक्रम में सभी आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, हमारे परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी और परासरणी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मृतजीवी। मृतजीवी के अंतर्गत आता है गोबर छत्ता। ठीक है, किसके अंदर, मृतजीवी यानी सर्वाइवर्स के अंदर आता है। 20 नंबर है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, CO2 इज कॉमनली फंड इन द एटमोस्फेयर, 78%, 21%, 4% एंड 0.03%। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि 0.03% पाया जाता है वायुमंडल में CO2। CO2 इज कॉमनली फंड इन द एटमोस्फेयर इज 0.03%। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये सवाल पूछा भी जाता है। तो ये 20 क्वेश्चंस थे आज बायो के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी जरूर करना यार, लाइक और शेयर करते हो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, तो इसलिए लाइक और शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या होता है, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इंस्टा आईडी और टेलीग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर देख ही रही है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाकर के भी ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइज़।